चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में द एनचेंटेड पूल में कि जो यक्ष है, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज है, उसने युधिष्ठिर से एक के बाद एक कई सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने उन सवालों के जवाब दिए। अब आगे, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे, प्रतिदिन, मैन मीन्स लोग, व्यक्ति, सी मीन्स देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम, यमराज के दरबार में, एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी जो लोग रह जाते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्य सबसे बड़ा सच है। दस, इस प्रकार द यक्स पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबके जवाब दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, तुम्हारे जो भाई मरे हुए उनमें से एक भाई को जो जिंदा किया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जिंदा करवाना चाहते हो। इट लुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक दैट, देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन। इट टुक युधिष्ठिर, इससे युधिष्ठिर को एक पल का समय लगा टू थिंक, सोचने में, एंड देन, और तब, ही विश्ड, उसने चाहा, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, यानी गंभीर बादलों के समान, लोटस आइड, कमल के समान, जिसकी आंखें हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना है, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाएं है, नकुल को उसने चाहा, लाइंग लाइक ए फॉलन एम्बोनी ट्री माइट अराइज, जो एक टूटे हुए एम्बोनी ट्री की भांति पड़ा हुआ है, माइट अराइज स्थित। द यक्स वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्स इस पर बड़ा खुश हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रिफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को ही क्यों चुना भीम की प्रीफ्रेंस में, बदले में। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु हैज, जिसके अंदर द स्ट्रेंथ पावर है ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है, मैंने ये सुना है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिनके भुजाओं की ताकत में तुम्हारी सुरक्षा है, टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुमने नकुल को ही क्यों चुना रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की बदले में की तुलना में। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म एक अकेली शील्ड है, सुरक्षा कवच है, ऑफ मैन, आदमी की, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, व्यक्ति रुइंड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू विव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की कुंती और माद्री दो पत्नियाँ थी। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इसीलिए पूर्ण रूप से न्याय नहीं होता है, इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, जिससे कि न्याय बराबर हो, आई आस्क दैट माद्री सन, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र को चाहा, नकुला में रिवीव, नकुल को वापस जिंदा किया जा सकता है। द यक्स वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्टियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। द यक्स वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्स बहुत अधिक खुश हो गया विद युधिष्ठिर इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर के इस इम्पार्टियलिटी से, इस निस्वार्थ भावना से, एंड ग्रांटेड यानी परमिशन दे दी दैट ऑल हीज ब्रदर्स, उसके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, जिंदा हो गए। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यमराज थे जो मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्स, जिसने यक्ष का रूप धारण कर रखा था, सो दैट, ताकि ही माइट सी, वह मिल सके युधिष्ठिर से, एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सके। He embraced युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर की प्रशंसा की, एंड blessed him, और उसको आशीर्वाद दिया,
देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वह गायब हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है। ये इसके वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करा चुका हूँ। फिर भी आप में से कोई स्टूडेंट का यदि रह गया है वर्ड मीनिंग वगैरह, तो वो इसको ज़रूर कंप्लीट कर ले। यहाँ तक आपका लेसन की स्टोरी कंप्लीट होती है। एक एक लाइन, एक एक ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ताकि फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए दिक्कत ना हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।